वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज है 16 अप्रैल 2020 और दिन है बुधवार। और 16 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन कितने मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रों। इन्होंने अभी कोविड-19 कोरोना को लेकर लॉकडाउन को कितने मई तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो 11 मई तक बढ़ाने की घोषणा इन्होंने अभी तक की है। यानी कि 11 मई के बाद से स्कूल दुकानें दोबारा खुलेंगी, लेकिन रेस्टोरेंट, होटल, कैफे और सिनेमाघर और इस तरह के जितने भी प्रतिष्ठान हैं वो सभी लगभग बंद रहेंगे। और सिर्फ खुलेंगे कौन कौन? स्कूल तथा दुकानें। तो ये अभी फैसला, ये घोषणा किन्होंने की है? इमैनुअल मैक्रों ने। तो इमैनुअल मैक्रों कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति। और इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि गैर यूरोपीय देशों की फ्लाइट्स पर भी रोक लगेगी। जितने भी गैर यूरोपीय देश हैं उनकी फ्लाइट्स पर भी रोक लगी रहेगी। कोई भी फ्लाइट्स ना तो जाएगी ना तो आएगी। और कोई भी सामाजिक काम जुलाई के पूर्व नहीं हो सकेगी। तो ये अभी फैसला किन्होंने लिया है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने। तो इसके बाद अब बात रही यहाँ पर फ्रांस की, तो फ्रांस के बारे में जानते हैं। तो फ्रांस के अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रों। और यहाँ की कैपिटल क्या है? पेरिस। कैपिटल कहाँ है यहाँ की? पेरिस। फ्रांस की कैपिटल पेरिस। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते थे। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है, बी आर अम्बेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अब यहाँ पे बात रही भीमराव अंबेडकर कौन थे, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये संविधान निर्मात्री थे। तो इनसे तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस को याद रखना है। मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन को बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, स्वतंत्र भारत के निर्माण में इनका बहुत सारा योगदान है, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, अम्बेडकर जयंती को भीम जयंती भी कहा जाता है, ये बात आपको याद रखना है। इन्हें भीम जयंती भी कहते हैं। तीसरी बात, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के महू में। इनकी उपलब्धि क्या है? तो इन्होंने संविधान निर्माण का कार्य किया था। इन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। वैसे तो संविधान निर्माण करने में बहुत लोगों का हाथ था, लेकिन इनमें से सबसे प्रमुख ये थे, इसलिए इन्हें संविधान निर्मात्री भी कहा जाता है। और इसके बाद इसकी एक और उपलब्धि प्रमुख है जो कि आपको याद रखने पर चाहिए। इनके साथ जो है इन्होंने RBI की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे। तो भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई गई है? 14 अप्रैल 2020 को। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने 13 अप्रैल 2020 को संयुक्त रूप से किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? तो अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने 13 अप्रैल 2020 को अभी कोलैब कैड इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। अब यहाँ पर बात रही, इस सॉफ्टवेयर के बारे में जानना आपको आवश्यक है। ये सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे वर्क करती है? तो यह कंप्यूटर सक्षम सॉपरेटर सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक सहयोगी नेटवर्क है। कंप्यूटर सक्षम सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक सहयोगी नेटवर्क है। यह क्या करता है? 2D प्रारूपण, उसके बाद 3D उत्पाद डिजाइन के विवरण से संपूर्ण इंजीनियरिंग समाधान प्रदान करता है। इंजीनियरिंग में जो भी कठिनाई होती है वो ये सॉल्व करता है। इसके बाद और भी इसमें बहुत सारी बातें हैं। यह सॉफ्टवेयर छात्रों को पूरे नेटवर्क में डेटा निर्मित करने में सक्षम कराता है। तो यह सॉफ्टवेयर छात्रों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे बात आई नीति आयोग की, तो
हम लोग नीति आयोग के बारे में जानते हैं। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये होती है नीति की फुल फॉर्म। इसके बाद अब नीति की स्थापना कब हुई थी, तो जितने भी आयोग हैं उनकी स्थापना, उनका मुख्यालय, उनका फुल फॉर्म और उनके अध्यक्ष, कम से कम ये चार चीज़ें आपको अवश्य याद रखनी चाहिए। तो चलिए हम लोग नीति के बारे में बोल रहे थे। तो नीति की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते थे। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विश्व चागास रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड चागास डिजीज डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो चागास रोग दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि चागास रोग होता क्या है। इससे पहले आपको इसको मनाने का उद्देश्य याद रखना चाहिए। तो चागास रोग मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसे मनाने का उद्देश्य है पीड़ितों, या तो अगर स्वस्थ लोग भी हैं, चाहे वो पीड़ित हो, चाहे बीमार हो, या स्वस्थ लोग भी हैं, तो इस रोग से बचाव और नियंत्रण की जानकारी देना इस दिवस का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उसके बाद अब बात रही कि चागास नाम इसका क्यों पड़ा, इस रोग का, चूँकि इसकी खोज की थी डॉक्टर कार्नोस जस्टियानो रेबोस चागास ने। इतना बड़ा नाम है, आप इसे एक नहीं दो बार बोलें, डॉक्टर कार्नोस जस्टियानो रिबेरो चागास। तो इन्होंने ही इसकी खोज की थी, इसीलिए इस बीमारी का नाम चागास रख दिया गया। उसके बाद अब मैं आता हूँ चागास के लक्षण क्या हैं और ये रोग क्या होता है। तो इस रोग का लक्षण सूजन और बुखार होता है तथा बुखार बहुत लंबे समय तक रह सकता है। ये था चागास रोग के लक्षण। तो इसके बाद आते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम ने COVID-19 से लड़ने हेतु आभासी नेटवर्क पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया है? तो अभी भारत और अमेरिका ने जो है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम ने, दोनों ने मिलकर COVID-19 से लड़ने हेतु आभासी नेटवर्क पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया है। अब यहाँ पे बात रही कि इस प्रस्ताव का अर्थ क्या है, ये प्रस्ताव क्यों रखा गया, इसे समझना जरूरी है। तो इसका उद्देश्य विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की मदद से वैक्सीन, उपकरण इत्यादि को शीघ्रता से विकसित करना है। यानी दोनों ही देश के इंजीनियरिंग यानी कि इंजीनियर्स, उसके बाद मेडिकल क्षेत्र, दोनों मिलकर वैक्सीन और जितने भी बीमारी से लड़ने के लिए उपकरण होते हैं, दोनों मिलकर काम करेंगे और इसे विकसित जल्दी से करेंगे। तो ये इसका उद्देश्य है, इस नेटवर्क का ये उद्देश्य है। इसके बाद इसके अंतर्गत क्या होगा, अमेरिका और भारत के वैज्ञानिक तथा इंजीनियर मिलकर कोरोना से निपटने के लिए अनुसंधान करेंगे यानी कि खोज करेंगे। उसके बाद भारत अमेरिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम को मार्च 2000 में समझौते के तहत स्थापित किया गया था। आप यहाँ अपने देखा होगा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी लिखा हुआ है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम लिखा हुआ है। तो इनकी स्थापना कब हुई थी, इनकी स्थापना से संबंधित क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो इनकी स्थापना हुई थी मार्च 2000 ईस्वी में, और किसके किसके बीच में, अमेरिका और भारत के बीच में एक समझौते के तहत जो है इसे स्थापित किया गया था। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ICMR ने एक जर्नल में कहा है कि उसने किस देश में चमगादड़ों की दो प्रजातियां टेरोपस और रूसेटस में कोरोना वायरसों का पता लगाया है। तो चमगादड़ की दो प्रजातियां हैं, कौन कौन से, टेरोपस और रूसेटस, इन दोनों में अभी अभी कोरोना वायरस के लक्षण दिखे हैं। तो किस देश में, तो ये इसका सही जवाब है भारत में। तो भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे कि कुछ क्षेत्रों के नाम मैं लेता हूँ। सबसे पहला, यह प्रजाति केरल, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी,
और तमिलनाडु। तो इन चार जगहों में ऐसे चमगादड़ों की प्रजाति पाई गई है जिसमें अलग अलग प्रकार के कोरोना के लक्षण मिले। आपको भी पता होगा कि कोरोना अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं, उनमें से कुछ कोरोना खतरनाक होते हैं, कुछ कोरोना नॉर्मल होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के प्रजाति की कोरोना जो है मिली है किसके अंदर, चमगादड़ के अंदर। तो चमगादड़ में कई प्रकार के कोरोना वायरस होते हैं तथा इनमें से कुछ वायरस मानव को बीमार कर सकते हैं, ये बात भी आपको याद रखना है। उसके बाद अब यहाँ बात किसकी आई, ICMR की। तो ICMR क्या है, तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को ICMR कहते हैं। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है। ICMR की स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई है 1911 में, 1911 में। मुख्यालय कहाँ है इसका, मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते थे। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को IMF की प्रमुख के बाहरी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में रघुराम राजन को IMF की जो प्रमुख है उसकी बाहरी सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है। अभी हम लोग जानते हैं कि पूरा विश्व जो है आर्थिक मंदी की चपेट में है, तो हमारा भारत भी आर्थिक मंदी की चपेट में आने की आशंका में है। तो इसी उद्देश्य से रघुराम राजन को IMF की जो प्रमुख है, तो कौन है IMF की प्रमुख, तो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। ये जो प्रमुख है इनके बाहरी सलाहकार के समूह का सदस्य बनाया गया है। और ये क्या करेंगे, रघुराम राजन क्या करेंगे, तो ये समस्त मुद्दे, जितने भी आर्थिक मुद्दे हैं, समस्त मुद्दे पर अपनी राय किसको देंगे, IMF को देते रहेंगे। तो ये इनका काम है, इसलिए इन्हें अभी नियुक्त किया गया है बाहरी सदस्य के रूप में। उसके बाद अब जानते हैं रघुराम राजन के बारे में, कौन है रघुराम राजन। तो रघुराम राजन सितंबर 2016 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं, यानी RBI के गवर्नर रह चुके हैं। और अभी ये क्या कर रहे हैं, ये बात इम्पोर्टेंट है। तो अभी रघुराम राजन शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और बात आई, IMF, इसके बारे में जानना आपको आवश्यक है। तो IMF क्या है, इंटरनेशनल मनी फंड, इंटरनेशनल मनी फंड को IMF कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई है, तो जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई है। इसकी मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। और इसके प्रबंध निदेशक अभी वर्तमान में कौन है, इसके प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टीन लेगार्ड। कौन है, क्रिस्टीन लेगार्ड, ये इसके प्रबंध निदेशक हैं। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संस्था को दी जाने वाली सालाना $50 करोड़ तक की अमेरिकी धनराशि को रोकने की घोषणा की है। एक संस्था है जिसे कि अमेरिकी यानी कि अमेरिका $40 करोड़ से $50 करोड़ के बीच में सालाना दिया करता था, और अब उन्हें यह धनराशि देने से मना कर दिया है। तो किन्हें मना किया है, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को देने से मना कर दिया है। क्यों कर दिया है मना, इसके बारे में जानना इम्पोर्टेंट है। तो इनको हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे, मना क्यों किया गया है। तो WHO पर अमेरिका ने आरोप लगाया है कि WHO कोरोना के जो मुद्दे हैं, कोरोना के मुद्दे पर केवल चीन पर केंद्रित रहा है और किसी की बात वो नहीं माना है, ठीक से उन्होंने जांच तक जो है नहीं बिठाई। तो ये सब मुद्दे हैं जिसके कारण कि अमेरिका WHO को जो सालाना उसको राशि दी जाती थी उन्हें देने से मना कर दिया है। और ये मना ही कब की गई है, 14 अप्रैल 2020 को ये घोषणा अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। उसके बाद आपको ये बात याद रखना जरूरी है कि अमेरिका कितने डॉलर जो है
दिया करते थे किसको, WHO को, तो 40 करोड़ डॉलर यानी 40 करोड़ डॉलर पर ईयर WHO को दिया करता था, और चीन केवल 4 करोड़ डॉलर दिया करता था। चीन केवल 4 करोड़ डॉलर और अमेरिका 40 करोड़ डॉलर, तो इतने का फर्क था। अब यहाँ बात आई WHO की, तो WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि WHO के हेड अभी कौन है, इसके हेड कौन है, इसके हेड हैं टेड्रोस अधानोम। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते थे। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दुनिया के 25 सर्वाधिक गरीब देशों के 6 महीने के ऋण भुगतान को रद्द करने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, ताकि उन्हें कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद मिल सके। तो बहुत से ऐसे गरीब देश हैं जो कि कोरोना की मार से पीड़ित हैं, तो इनके लिए अभी IMF ने यानी इंटरनेशनल मनी फंड ने अभी एक घोषणा की है कि जितने भी गरीब देश हैं उन्हें अभी फ़िलहाल वर्तमान में IMF को ऋण भुगतान नहीं करना होगा, और वो जो उनको ऋण भुगतान करते वो ऋण के की जो राशि है वो कोरोना के इलाज में लगा सकते हैं। ये घोषणा अभी अभी IMF ने की है, और कितने देशों के लिए, तो 25 गरीब देशों के लिए ये घोषणा की गई है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात आई, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए, जैसे कि IMF ने 29 अफ्रीकी और उसके साथ साथ अफगानिस्तान, नेपाल, सोलोमन द्वीप, तजाकिस्तान और यमन के लिए तत्काल ऋण से राहत को मंजूरी दे दी है। अब यह राशि IMF के रिलीफ ट्रस्ट से ली जाएगी, जितनी राशि इनसे कर्ज के रूप में लेनी थी अब वो रिलीफ ट्रस्ट से ही ले ली जाएगी, सॉरी कर्ज के रूप में नहीं, ब्याज के रूप में। उसके बाद हम लोग आते हैं आगे, यह निर्णय कमज़ोर देशों को कोरोना से लड़ने में सहायता प्रदान करेगा, ये बात भी आपको याद रखना है। उसके बाद अब यहाँ पे बात आई IMF की, तो IMF की स्थापना कब हुई है, तो IMF की स्थापना हुई है जुलाई 1944 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, Washington DC में, और इसके प्रबंध निदेशक कौन है, क्रिस्टिन लेगार्ड। तो जितने भी इस तरह के क्वेश्चन हैं, रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो तो रोज़ाना डिस्कशन होता है, तो ये तो लगभग हमें लगता है कि आपको याद हो होंगे। अगर नहीं भी हुए होंगे तो आप सिर्फ हमारे वीडियो को रोज़ाना देखिए, मैं इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट को भी शामिल करता हूँ जिसके कि बार बार रिविजन से आपको ये याद हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। इसका सही जवाब है 1.9%, यानी सिर्फ 1.9% भारत की GDP बढ़ सकती है। ये अनुमान किसने लगाया है अभी, IMF यानी इंटरनेशनल मनी फंड ने। और एक आश्चर्यजनक बात यह भी है कि IMF ने चीन की वृद्धि दर भारत से भी कम यानी 1.2% यानी कि 1.2% रहने का अनुमान लगाया है चीन की वृद्धि दर, यानी कि भारत से भी कम, भारत का 1.9%, चीन का 1.2% ओनली। यह मंदी साल 1930 में जो मंदी आई थी उस मंदी से भी सबसे बड़ी मंदी है, ये अभी अभी IMF का कहना है। और 1991 में जो उदारीकरण के बाद जो मंदी हुई थी उससे भी अधिक मंदी है, और GDP वृद्धि जो होगी उससे भी कम होगी, ये कहना है अभी IMF का। इसके बाद यहाँ पे बात आई है चीन की, तो हम लोग
चूंकि चीन की वृद्धि दर भारत से भी कम रहने वाली है ऐसा अनुमान IMF का है, तो हम लोग चीन की बात करते हैं। चीन की कैपिटल कहाँ है? बीजिंग। चीन की कैपिटल कहाँ है? बीजिंग। प्रेसिडेंट कौन है अभी? सी जिनपिंग। मुद्रा यहाँ की क्या है? तो रॉन मिनबी। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आज का ये 10 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स था, और सभी सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट्स ही थे। आपको इनका अभ्यास करना है, एक बार में अगर याद नहीं होता है तो फिर से आप इसे रिपीट करें, जरूर निश्चित तौर पे ये आपको दिमाग में रह जाएगा, दिमाग में क्लिक करेगा। कहीं भी क्वेश्चन को देखिएगा, ये आपके दिमाग में सीधा क्लिक करेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर। गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।